फ्रेंड्स, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिसेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज. फाइनली हम पहुंच गए लास्ट एक्सरसाइज तक. टिल नाउ हम लोग ने हर एक चीज़ डिस्कस कर ली है कि इनडेफिनेट और डेफिनेट टाइप में इंटीग्रल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन उसमें पुटअप किए जाते हैं. नाउ हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कंसिडर करेंगे और उसको डिस्कस करके आपको समझाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज dx अपॉन x माइनस एक्स क्यूब. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. सो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे कि dx अपॉन x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हो dx अपॉन x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स. नाउ आई थिंक अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इसमें किस तरह का रूल लगेगा. दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द टाइप पार्शियल फ्रैक्शन. सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको सॉल्व करेंगे. लेट हम कंसिडर कर लेंगे विदाउट इंटीग्रल, दैट इज़ फैक्टर फॉर्म में, एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वन माइनस एक्स प्लस सी अपॉन वन प्लस एक्स. लाइक दिस हम कंसिडर कर लेंगे. देन वन इज इक्विवेलेंट टू ए इंटू वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स प्लस बी इंटू एक्स इंटू वन प्लस एक्स और सी इंटू एक्स इंटू वन माइनस एक्स. लाइक दिस अब हम क्या करते थे कि हम वैल्यू पुट करते थे, एक्स की वैल्यू हम अपने हिसाब से पुट करते थे. आई थिंक आपको पार्शियल याद होगा. ये तीन लीनियर फैक्टर्स बने हैं इसलिए इस तरह से फॉर्म आया है. इसी एक्सरसाइज में मिसलेनियस में एक क्वाड्रेटिक वाला भी आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे लेटर ऑन. नाउ इन दिस क्वेश्चन हम क्या करते थे पार्शियल में कि एक्स की वैल्यू इस तरह से पुट करते थे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि कोई जीरो हो जाए. सो लेट इट सो कि हम जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू अगर वन पुट कर लें दोनों तरफ, अब टेकिंग दिस एज ए कन्वीनियंस कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा और ये टर्म और ये बचा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा ये टू बी इज इक्वल टू वन. सो हमारे पास b की वैल्यू 1 बाई टू आ जाएगी. लाइकवाइज x की वैल्यू माइनस वन पुट कर लेंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पे बचा हमारे पास तो ये माइनस टू सी इज इक्वल टू वन, तो c की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गई. नाउ हम x की वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं तो इधर 1 है, इधर 1 बचा तो ये a आया हमारे पास. इधर हम जीरो पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, जीरो पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई. सो यूजिंग दिस ए बी सी जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब. जो ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसको हम इस तरह से लिखे थे, इस फॉर्म में लिखे थे, इसकी वैल्यू इस तरह से लिखी जाएगी. सो ये आ गया आपका ए अपॉन एक्स, ए की वैल्यू 1 है तो ये डी एक्स अपॉन एक्स आ गया. बी की वैल्यू 1 बाई 2 है सो ये 1 बाई 2 इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया. सॉरी, सी की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 है तो माइनस वन बाई टू सी हमने बाहर निकाला, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स रखा. आई थिंक ये पार्शियल लगाने आपको आ गया होगा. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लॉग एक्स प्लस वन बाई टू, ये आ जाएगा लॉग वन माइनस एक्स, क्योंकि माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा. नहीं समझ में आएगा तो आप इसको टी लीजिएगा तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा. ये माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स आ गया, इतना आ गया प्लस सी हमारे पास. अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. लॉग एक्स वन बाई टू माइनस में हमने कॉमन निकाल दिया तो ये लॉग वन माइनस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स आ गया हमारे पास, प्लस सी इज इक्वल टू ये लॉग एक्स. अब यहाँ पे ये आ गया प्लस है तो लॉग में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ये हमारे पास. हाफ का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेके बाहर आ गया, ये आ गया टू लॉग एक्स माइनस लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा सिंप्लीफिकेशन है, कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं किया यहाँ पे. ये लॉग टू लॉग एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे. ध्यान दीजिएगा ये एक्स स्क्वायर है, माइनस करेंगे लॉग दिस माइनस लॉग दिस तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया. लाइक दिस प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का. कोई कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, और बेसिक क्या है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें एक साथ मिक्स्ड है, तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ इन क्वेश्चन नंबर टू हमारे, नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर टू
यहाँ पे हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करेंगे x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी से ऊपर नीचे, ये हमने रेशनलाइज किया। ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, रूट हट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा आपके पास, नीचे बच गया a माइनस बी जो कि कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल ले रहे हैं। सो रिमेनिंग हमारे पास बचा ये अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी डी एक्स, डिनोमिनेटर में से ये बाहर निकाल लिया। अब इसका इंटीग्रेट अलग अलग हम कर देंगे, तो वन अपॉन ए माइनस बी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए के पावर 1 बाई टू डी एक्स माइनस एक्स प्लस बी के पावर 1 बाई टू डी एक्स। देख लीजिए अलग अलग हो गया ये इंटीग्रेट, इजी हो गया, ये बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन ये 2 बाई थ्री एक्स प्लस ए के पावर 3 बाई टू माइनस एक्स, इसमें भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ये 2 बाई थ्री एक्स प्लस बी के पावर 3 बाई टू प्लस सी। कैसे आया आपको बता दें, x के पावर n का इंटीग्रेशन लगा है, दैट इज़ x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो n की वैल्यू 1 बाई टू है, तो 1 बाई टू का प्लस 1 करेंगे 3 बाई टू आएगा, डिनोमिनेटर में 3 बाई टू, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। इसी में से 2 बाई थ्री आप बाहर निकाल लोगे, 2 बाई थ्री ये a माइनस बी, और ये हमारे पास बच गया x प्लस ए के पावर 3 बाई टू माइनस एक्स प्लस बी के पावर 3 बाई टू प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में रेशनलाइज किया, उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो गया इजीली। नाउ इन क्वेश्चन नंबर थ्री हम आ रहे हैं, नाउ इन क्वेश्चन नंबर थ्री डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिया है। यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए बाई टी, ध्यान दीजिएगा सब्सटीट्यूशन पर। अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स की वैल्यू माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी निकल के आएगी। अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो dx की जगह पे हमारा आ गया माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई x की जगह पे a बाई टी आया, रूट में ए एक्स, एक्स की जगह पे फिर a बाई टी, तो ए स्क्वायर बाई टी आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सब्सटीट्यूशन, अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ठीक। तो ये देखिएगा a से a कट गया आपका, एक t से आपका ये t कट गया, माइनस हमने बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर निकाल दिया, टी बचा वन बाई टी, वन बाई टी को भी हम नीचे ले लेते हैं, टी नीचे ले लेते हैं, ये पूरा कट गया, ये वाला टी नीचे आ गया। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एलसीएम आएगा टी स्क्वायर का, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर, अंदर से ए स्क्वायर अगेन आपका कॉमन आ जाएगा, तो माइनस वन बाई ए बाहर, ए स्क्वायर कॉमन आया डिनोमिनेटर में, हमने बाहर ले लिया वन बाई ए, तो ये अब यहाँ पे डी टी अपॉन ये कितना बच जाएगा, यहाँ से एक t बाहर आएगा रूट से, तो ये t से ये t कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये दोनों t एक दूसरे से कट जाएंगे, a स्क्वायर बाहर निकल गया है, अंडर रूट में बचा आपका सिर्फ t माइनस वन। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा आपका, तो माइनस वन अपॉन a बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस वन के पावर वन बाई टू माइनस में डी टी, माइनस में क्यों, क्योंकि रूट ऊपर चला गया तो माइनस आ गया। अब इसमें फॉर्मूला लग गया वन अपॉन a इंटू टी माइनस वन के पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन अपॉन ए ये आ जाएगा हमारे पास रूट में टी माइनस वन, वन माइनस वन बाई टू प्लस में वन बाई टू आएगा, रूट लग गया ये, नीचे भी वन बाई टू आया, रेसिप्रोकल होके वो ऊपर आ गया, ये आ गया आपका प्लस सी। ध्यान दीजिएगा सिंपल प्रोसेस है, सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं है। अब यहाँ टी की वैल्यू आप खोल दीजिए, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, t इज इक्वल टू ए इज इक्वल सॉरी टी एक्स इज इक्वल टू a, तो आप t की वैल्यू ए वाई एक्स निकाल सकते हो। तो t की वैल्यू आप पुट कर दो 2 अपॉन a रूट में t की जगह पे ए वाई एक्स माइनस वन प्लस सी, ये एलसीएम आके a माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, ये इस तरह से सॉल्व होकर के आया। दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर फोर हम आ रहे हैं, नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा सॉल्विंग प्रोसेस, इसमें थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। डी एक्स डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर है, ये पावर थ्री बाई फोर के अंदर ही
हम x के पावर 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 होल के पावर 3/4। हम इस ब्रैकेट के अंदर ही हमने x के पावर 4 को कॉमन लिया, तो यहाँ 1 हो गया और ये 1 अपॉन x के पावर 4 हो गया। अब ये पूरे ब्रैकेट में से इस पार्ट को हम इससे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा dx अपॉन x स्क्वायर एज इट इज़ है, x के पावर 4 के पावर 3/4। ये हम बाहर निकालेंगे तो ऐसे सॉल्व होके ये x क्यूब बाहर आया हमारे पास, और अंदर बच गया 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 के पावर 3/4। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सॉल्विंग, थोड़ा सा एडजस्ट किया हमने, अब ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन मतलब dx अपॉन x के पावर 5, और ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 के पावर 3/4। अब यहाँ पे हम इसी को ब्रैकेट वाले पार्ट को 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 को t ले लेते हैं, तो ये माइनस 4 अपॉन x के पावर 5 dx इज इक्वल टू dt निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से ये dx अपॉन x के पावर 5 को हम इक्वेट करेंगे, तो ये माइनस 1 अपॉन 4 dt निकल के आएगा। ये इधर जब एडजस्ट करेंगे dx की जगह पे, dx अपॉन ये पूरे की जगह पे वो हम रख देंगे माइनस 1 अपॉन 4 dt डिवाइडेड बाई ये पूरा t हो गया हमारा जो हमने t लिया था, तो ये t के पावर 3/4 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया t के पावर माइनस 3/4 dt। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1/4 एज इट इज़ है। सिंपल लिख दें हम, माइनस 1/4 लिखा हमने इसका इंटीग्रेशन, तो t के पावर माइनस 3/4 प्लस 1, तो ये 1/4 बचा डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस c। तो आप देखो ये 1/4 ये 1/4 कट गया आपका, ये आया आपके पास माइनस t के पावर 1/4 प्लस c। t की वैल्यू आप निकालोगे तो ये दिया है माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 के पावर 1/4 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप थोड़ा, तो ये आ जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 के पावर 1/4 प्लस c, x के पावर 4 प्लस 1 के पावर 1/4। ये 1/4 जब इसके ऊपर लगा तो ये x बच गया प्लस c। इस तरह से हम आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे कई तरीके हैं इसको करने के लिए, आप चाहो तो इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो x के पावर 1/3, बट थोड़ा सा कई बच्चों को उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। हम इसको लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू t के पावर 6, हम इस तरह से सब्सटीट्यूट करते हैं सो दैट कि dx की वैल्यू 6 t के पावर 5 dt आती है। हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 6 t के पावर 5 dt डिवाइडेड बाई x की जगह पे t के पावर 6 रखिएगा, तो t के पावर 6 के पावर 1/2, तो ये t क्यूब आ जाएगा, और इसी तरह इसमें रखेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अब इन दोनों में आप कॉमन आसानी से निकाल सकते हो, इंस्टेड कि इसको निकालने में कई बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है इसमें कॉमन क्या निकलेगा, ये ज़्यादा इजीली कॉमन निकल जाएगा। 6 हम बाहर कर देते हैं, t के पावर 5 dt डिवाइडेड बाई यहाँ t स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये t प्लस 1 बचा, t स्क्वायर से ये कट जाएगा आपका, t क्यूब बचेगा यहाँ पे। सो ये आ गया 6 t क्यूब dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1। नाउ पहली प्रायोरिटी सारे इंटीग्रेशंस में हमारी ये प्रोसेस होती है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है या बराबर होती है डिनोमिनेटर से तो हम डिवाइड करते हैं। यहाँ तो एकदम क्लियरली दिख रहा है कि ये डिग्री जो है ये बड़ी है इससे, सो हम t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे t क्यूब को। हम यहाँ करके आपको दिखा रहे हैं, ये t स्क्वायर बार में गया तो ये t क्यूब प्लस t स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस ये कट गया, ये माइनस टी स्क्वायर बचा, माइनस टी स्क्वायर फिर से इससे जाएगा माइनस टी टाइम्स में, तो ये माइनस टी स्क्वायर माइनस टी हो गया, ये कट गया, ये प्लस टी आया। अगेन ये अभी भी डिवाइड हो सकता है, सो ये प्लस वन में फिर डिवाइड हुआ, तो ये टी प्लस वन हुआ, ये कट गया, माइनस वन बचा। तो लाइकवाइज इतना लंबा डिवीज़न आया तो ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हुआ, 6 एज इट इज़ बाहर है। ध्यान दीजिएगा अब ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होके आया, ये आया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, ये डी टी, इसको डिवाइड करके ये जो रिजल्ट आया इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। अब ये अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, 6 बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटी टी डी टी
माइनस फिर इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस वन, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया हमने। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यह आ गया टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस यह आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस यह आ जाएगा टी माइनस यह आ गया लॉग टी प्लस वन, ये निकल के आया। अब यहाँ टी की आप वैल्यू पुट कर देंगे, आई थिंक आप कर तो सकते हो, इवन दो चलो हम कर दे रहे हैं। टी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी के पावर सिक्स की वैल्यू ये है, तो टी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के पावर वन बाई टू थ्री, और ये इसी तरह एक्स के पावर वन बाई थ्री टू प्लस ये एक्स के पावर वन बाई सिक्स माइनस लॉग एक्स के पावर वन बाई सिक्स प्लस वन, इतना आप पुट कर लोगे ना, अगर ये वैल्यू है तो टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स के पावर वन बाई सिक्स, और जहाँ जहाँ टी क्यूब है तो टी क्यूब कर दो, टी स्क्वायर कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो, सिक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर फाइव होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर फाइव तक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंसिडर करेंगे, सो दैट कि वीडियो बहुत लेंदी भी ना हो और आप एक वीडियो में सफिशियंटली एक्सप्लेनेशन समझ सको कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इतनी इजी एक्सरसाइज नहीं है बट इतनी कठिन भी नहीं है, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में कई वैरायटीज होती है सॉल्व करने की, सो ऑब्वियस सी बात है विदाउट प्रैक्टिस उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे के क्वेश्चन लेंगे, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।